Corrugela di Sol. Iska answer B aa raha hai. देखो क्वेश्चन है कि आपको एक ए बॉडी गिवन है, एक बी गिवन है और एक्चुअल में क्वेश्चन प्लैंक के ऊपर है. तो ये एक प्लैंक है, ये एक प्लैंक है जो इसके ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है और इसके ऊपर एक मैन है. प्लैंक ए और बी के ऊपर है और ये एंगल कितना गिवन है, अल्फा. प्लैंक कैन स्लाइड the supports and because of weight mg sin alpha. तो ठीक है, प्लैंक का जो मास है वो कितना है, कैपिटल M है, और मैन का मास कितना है, स्मॉल m है. तो अगर आप ये चाहते हो कि ये प्लैंक मूव ना करे और मास ऑफ मैन स्मॉल m है और फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और फ्रिक्शन के बिना तो कैसी एक बात बनेगी, तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है मैन और प्लैंक के बीच में, उसके नीचे नहीं, प्लैंक और बिल्डिंग के बीच में नहीं, मैन और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो प्लैंक को रेस्ट पे रखना है. तो बताओ ये मैन कहाँ मूव करे सच दैट ये प्लैंक रेस्ट पे रहे, नीचे कि ऊपर. कितने लोग बोलते हैं नीचे, बिल्कुल ठीक है. देखो ना, फ्रिक्शन है, जब वो नीचे भागेगा तो फ्रिक्शन से वो प्लैंक ऊपर जाएगा. और अगर आप प्लैंक की बात करते हो, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ प्लैंक, तो प्लैंक का मास कैपिटल एम है, तो नीचे की तरफ प्लैंक के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, एम जी साइन अल्फा. और जब ये मैन नीचे भागेगा तो ऑब्वियसली उसको कौन हेल्प करेगा मैन को, फ्रिक्शन. और प्लैंक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगी, पीछे. जो प्लैंक है उसको फ्रिक्शन की फोर्स कहां लगनी चाहिए, पीछे. और अगर आप चाहते हो कि प्लैंक रेस्ट पे रहे, तो प्लैंक के लिए mg into sin अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो mg sin अल्फा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ये जो केस है किसके लिए, प्लैंक के लिए. मैन की क्वेश्चन बोलो क्या बनेगी, ये मैन है और ये कहाँ आ रहा है, ये नीचे आ रहा है. मैन को नीचे, मैन की जो नीचे की फोर्स है मैन के ऊपर भी लगेगी, कितनी, स्मॉल एम जी साइन अल्फा. और मैन को फ्रिक्शन अपोज नहीं कर रही, उल्टा मैन को तो वो हेल्प कर रही है. और जब हेल्प करते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ करती है, आगे. अब देखो ना, अगर वो पैर को पीछे ऐसे करेगा, पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन आगे तभी भागेगा. और फ्रिक्शन प्लैंक के ऊपर पीछे, तो मैन के ऊपर आगे. और मैन एक्सेलरेट करता हुआ नीचे आ रहा है, तो एम जी साइन अल्फा प्लस एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम इनटू ए. स्मॉल एम को, स्मॉल एफ को उठाकर यहां पुट कर दो, तो एम जी इनटू साइन अल्फा प्लस एफ की जगह कैपिटल एम जी इनटू साइन अल्फा इज इक्वल टू एम इनटू ए. आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए निकालना है. चेक करो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, चेक करो सॉल्व करके, ऑप्शन नंबर बी आएगा. ठीक, तो ये पॉइंट भी क्लियर है सबको. उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये हिंट ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लैंक्स ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं है. अगर ऐसे होते तो कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे होती, अगर ये ऐसे हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्स इनके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर. तो इनका कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर करो, फिर उसके कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ करो एक्स और वाई प्लेन में.
जैसे सपोज ये आपको डायग्राम गिवन है इसमें, और ये एंगल कितना है, 30 डिग्री एंगल है, और ये डायग्राम है। इस डायग्राम में राइट की तरफ फोर्स लग रही है एफ, और इस तरफ फोर्स लग रही है 2F, और ये मास है एम, और ये भी मास है एम। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन दी ब्लॉक्स इज इक्वल टू व्हाट। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो जैसे मैंने बताया नॉर्मल रिएक्शन इसमें कैसे होगा, इस तरीके से होगा एन, तो यहां पर भी एग्जैक्टली क्या होगा एन, कॉन्टैक्ट फोर्स निकालनी है बेसिकली। तो ठीक, एन एंड एन, और एन और एन के लिए आप इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम देखो क्या बनेगा। इस तरफ क्या लग रहा है एन, एन एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे, ये एंगल कितना है 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, और अगर ये 30 तो ये 60, और इस तरीके से आप ये बताओ कि इनमें से कोई एंगल निकाल सकते हो। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये 30 तो ये 60, ऐसे कर लो। ठीक, और इस तरफ कितनी फोर्स एक्ट कर रही है एफ, और ये पूरा सिस्टम मूव कहाँ करेगा, पूरे का पूरा, अगर मैं कॉन्टैक्ट फोर्स को ना देखूं तो इकट्ठे मूव करेंगे विद अ नेट फोर्स ऑफ कितना 2F माइनस, और टोटल मास कितना है m, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू तो सीधी आ सकती है f डिवाइडेड बाय 2m, तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय 2m। ठीक, यहाँ तक तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू a इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय 2m, सिस्टम आगे मूव करेगा a इज इक्वल टू f बाय 2m। इसका एक कॉम्पोनेंट हॉरिजॉन्टल में क्या बनेगा, n इंटू कॉस ऑफ 60, और एक कहाँ बनेगा वर्टिकल, हमें वर्टिकल क्या करना, हमें तो हॉरिजॉन्टल से एन निकल जाएगा हमारा, तो इसका एक कॉम्पोनेंट यहाँ ऐड करेगा एन कॉस 60, इसके ऊपर एक फोर्स आगे एक फोर्स इधर, तो ये अल्टीमेटली मूव कहाँ कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो कौन बड़ा होगा एन कॉस 60 की एफ, एन कॉस 60, तो नेट फोर्स इज एन इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस एफ इज इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलेरेशन, एन कॉस 60 माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो यहां से n इंटू कॉस 60 इज 1 बाई 2 माइनस एफ मास, एक्सेलेरेशन हमने निकाल ली कितनी f डिवाइडेड बाय 2m, तो यहां से सॉल्व करके देखो जरा n कितना आ रहा है, आ रहा है आंसर, आ रहा है आंसर 3f, आंसर इज 3f, mg वेट बैलेंस कर लेगा ना, वर्टिकल में लेने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि उसकी मोशन हॉरिजॉन्टल है, चिपके हुए हैं ना, अगर हम सोचो ना कटे हुए दो ब्लॉक्स को इकट्ठा जोड़े, और या तो हो ना कि हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दें बराबर, एक बड़ी है एक छोटी, तो अल्टीमेटली ये हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा, वर्टिकल में मूव नहीं करेगा। हाँ, तो यानी कि ऊपर नहीं जाएगा स्लाइड का मतलब, हाँ ऊपर नहीं चढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा। हाँ ठीक है, अगर ये अच्छी बात है, अगर ये गिवन है कि ये स्लाइड नहीं कर रहा, अगर ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा, अगर स्लाइड कर जाता तो ये ऊपर चला जाता, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल में तो जा रहा है लेकिन चिपके हुए जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर 3F है, इसका आंसर D है 3F।